भी नहीं आती आपको पिंडी बॉय? आती है, मतलब पंजाबी गर्ल कर लेने ऐसी थोड़ी बहुत पड़ी जाएगी. व्हाई दिस टॉपिक स्पेसिफिकली? अनदर टॉपिक व्हिच वाज वेरी क्लोजर टू माय हार्ट बीइंग अ मदर वाज चाइल्ड लेबर, बिकॉज़ एज अ मदर यू कांट सी, यू कैन फील व्हाट अ मदर गोस थ्रू व्हेन शी सेंड्स आउट हर चिल्ड्रन टू वर्क और इवन सेल्फ टू बॉन्डेड लेबर. आई डोंट रिमेंबर आखिरी दफा किसी हीरो को सेलिब्रेट किया, तो ये चीज एक बड़ी अच्छी है जो फिल्म लेके आ रही है. अहमद, वी ऑल नो कि ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, उसे का ज्यादा अच्छे ह्यूमन बीइंग है, लेकिन शहबाज भट्टी देखने के बाद लोग सिर्फ शहबाज भट्टी याद रखेंगे, इनका पिछला काम भूल जाएंगे. मेहर की जो स्ट्रगल है वो बहुत ही परेशान कर देने वाली है, बिकॉज़ शी वाज वेरी क्लोज टू दिस पर्सन एंड दैट पर्सन हैज डाइड. मे बी सीन्स पोस्ट इरफान की पासिंग के हैं, मेहर स्माइल भी नहीं करती. हमारी कमर्शियल फिल्में ही नहीं चलती जी. कमर्शियल कहां से रही फिल्म? सो आई थिंक वी नीड टू रीडिफाइन, नीड एक नई अप्रोच करनी है हमने. एंड आई थिंक स्मॉल बजट फिल्म्स में एक मजा होता है, एक ड्राइव होती है, एक एंबिशन होता है, पर्पस फील होता है मुझे. Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. Today I have the cast of Kunjal with me. जब भी मूवीज़ आती हैं मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, उम्मीद आती है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी, उसमें नए चेहरे और नए कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक से बात होगी. गुंजल जो मूवी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य पे मबनी है. इकबाल मसीह के वाक्य को हम सब जानते हैं. सो आज कास्ट हमारे साथ हैं डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं कि इस टॉपिक को क्यों चूज़ किया एंड व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप लोग? पहले तो आई थिंक आई वॉन्ट टू जस्ट से यू गैज आर सो ब्रेव. Honestly, जब भी मैं वो फिल्म्स देखती हूँ जो कमर्शियल नहीं होती हैं, ऑल्दो यू गाइस हैव सेड के इट्स गोइंग टू बी अ बैलेंस ऑफ एंटरटेनमेंट, कमर्शियल एंड थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट या सीरियस कंटेंट, फिर भी टू चूज़ अ सब्जेक्ट जिसको आपको पता है कि शायद मास्टर्स को लेकर आना मुश्किल हो, वेन एवर यू गाइस चूज दैट सब्जेक्ट टू डायरेक्ट, प्रोड्यूस और एक्ट, आई थिंक इट्स अ ब्रेव थिंग. सो आई वॉन्ट टू फर्स्ट अप्रिशिएट कि आप लोग इन प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट होते हैं. थैंक यू. बट कैसी चल रही है प्रमोशंस आप लोगों की? सो फार सो गुड. सो फार सो गुड. आपका तो पहला एक्सपीरियंस है, आप प्रोड्यूसर, यू नो. या एज अ प्रोड्यूसर मेरा पहला एक्सपीरियंस है और एज अ डायरेक्टर शुएब का भी पहला एक्सपीरियंस है. आई थिंक मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ. वैसे तो मुझे अहमद अली अकबर को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, उन जाने पहचाने हैं. वी हैव द प्रोड्यूसर निगहत अकबर शाह, सही नाम लिया मैंने, राइट? एंड देन वी हैव आमना इलियास, अगेन वी डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस हर, माशाल्लाह से. एंड देन वी हैव द डायरेक्टर व्हिच इज शुएब सुल्तान. शुएब अजोका के साथ बहुत अरसे तक मुंसलिक रहे, तो मुझे ये, सॉरी बीच में मैं रह गई बात, आप बता रही थी, फिर हम आते हैं आपकी तरफ. या यू वर टेलिंग अस कि एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था. इट्स, मैं आपको बता रही थी थोड़ी देर पहले, पाकिस्तान में मेरा ये पहला ही एक्सपीरियंस है, लेकिन अच्छा रहा. यहाँ पे टीम अच्छी मिल गई और देन डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस अमेजिंग थे, अहमद के, आमना के, और जो हमारे यंग एक्टर्स हैं उनके भी, मैं उनका नाम अक्सर लेना भूल जाती हूँ, सैयद मोहम्मद अली एंड अरहाम खान और फिर रेशम एंड अहमद अली पर. मेरे ख्याल ये सब चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं तो फिर एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज आपके पास आ जाता है, और उसके साथ फिर एक कंटेंट बेस्ड फिल्म है ये, तो लोगों को पसंद आ जाएगी मुझे उम्मीद है. तो ये चॉइसेस, ये जो चेहरे आपके आसपास बैठे हैं, वो चॉइस आपकी थी या इनकी चॉइस थी? आपका कितना इनपुट था? मेरा ये कि एट द एंड ऑफ द डे यस, गो फॉर दैट. आई मीन यस, आई अप्रूव दैट, आई अप्रूव द मनी, यू नो. वो यू वर फैन ऑफ एवर? यस ऑफ कोर्स, आई हैव बीन फैन ऑफ बोथ ऑफ देम. ओके, हां, तो आपने कहा मैं यहां पे अपना शौक भी पूरा करूंगा. हां, व्हाई नॉट? यस यस ऑफ कोर्स, आई मीन देयर आर स्टार्स. मैंने कहा कि definitely Shweb, go for them. I mean, ask them out whether they say yes or not, that's their choice, but we've been very lucky. Ahmed first try mein hi Shweb ko keh diya ke he is willing. Story itni achhi thi, aur phir Amna, aur mere khayal hai kabhi bhi jaise Shweb kehte rehte hain ke problem nahi hui, har ek ne pehle hi time pe yes keh diya film ke liye. I think they are also attached to this subject in a way, because मैं आमना को अगेन कोट करूंगी, ये कहती हैं कि देर इज़ अ एक्टिविस्ट इन वी इन मी, और मैं समझती हूँ कि हर हम सब के अंदर एक एक्टिविस्ट होता है या ह्यूमैनिटेरियन होता है, हम सिर्फ उनको दबा देते हैं. सो इट्स देयर वे ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी एंड इट्स आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आप अजोका के साथ 15 साल, राइट, उनसे लिख रहे हैं, लोग ड्रामों पे जाते हैं, आप थिएटर से डायरेक्टली फिल्म पे, ये जंप कैसे? हाँ, मैं असल में, वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, और मेरा फोर्टे जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो कि इस फिल्म में भी काफी इंप्लीमेंट हुआ. तो कहीं सेट पे कुछ होता था तो टेम्पटेशन होती थी, अब मैं जाके ये सही कर दूं? क्या टेम्पटेशन होती थी? मैं कर रहा होता था इनसे पूछ. अभी भी, अभी तक
फिर यूनिवर्सिटी में भी बहुत एक्सटेंसिवली थिएटर किया और अजोका के साथ लाहौर बेस्ड था तो अजोका वॉज द ऑब्वियस चॉइस. अमदीहा गौर साहिबा मेंटोर्ड मी और मैं बहुत सीखा, बहुत लर्न किया अजोका से. अजोका को इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है. तो मुझे बात है आपकी कि हमेशा थिएटर का शौक था और यह फिल्म फैसिनेट करती थी क्योंकि वो एक ऑब्वियसली दोनों ही चीज़ें की अपनी डायनेमिक्स हैं, दोनों ही मुझे लगता है लार्जर देन लाइफ है इन देयर ओन वेज और दोनों ही मीडियम्स ऐसे हैं जो कि आपको फैसिनेट करते हैं. तो सो मुझे हमेशा था कि फिल्म बनानी है चाहे वो छोटी हो बड़ी. दो आई एम नॉट ट्रेंड, मैंने कहीं से फिल्म मेकिंग पढ़ी नहीं है, बस जो देख के लर्न किया है, सेल्फ टॉट हूँ. तो पैशनेट हूँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके. तो मेरे ख्याल वो एक ड्राइव है जो नेचुरली वर्क की है. और पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई दो, पहली शॉर्ट फिल्म निगत के साथ ही थी अधूर प्रोडक्शंस की दरिया के इस पार, उसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिली. और फिर उसके बाद हमने एक और ये सफ़र शुरू किया जो कि अब आप लोगों के सामने आएगा इंशाल्लाह. सो लेट्स होप इट वर्क वेल फॉर एवरीवन. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. आमना एंड अहमद, आप लोग अगर मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट्स देखूँ, अहमद आपके भी और आमना आपके भी, तो रिसेंटली मैं सारे वो प्रोजेक्ट्स देखती हूँ जहाँ पे कुछ ना कुछ थॉट है, कैरेक्टर्स हैं, दे आर नॉट, यू कॉन्ट रियली कॉल देम कमर्शियल. तो व्हाट इज़ इट रिक्वायर, क्या है कि आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स को हाँ बोलते हैं जिनमें बहुत सों को आपको पता है कि शायद वो मासेस को लेकर नहीं आए, तो क्या चीज़ होती है जो मेक्स यू से यस? अगर मैं ये बोलूँ कि क्या वो एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ होती है बट देन वो कमर्शियल मूवीज़ या प्रोजेक्ट्स में भी आपको मिलती है, तो यहाँ क्या एक चीज़ है जो आप बार बार हम आप लोगों को मुंसलिक देखते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ? वेल, मैं ये कहूँगी कि अगर मैं अपने करियर में अपनी चॉइसेस देखूँ तो आई ट्राई टू डू व्हाटएवर आई ट्राई टू डू, आई मीन एज अ परफॉर्मर आई ट्राई टू डू इट विथ माई फुल हार्ट एंड सोल. तो कोई भी कैरेक्टर, अब उसकी पैकेजिंग क्या है वो डिपेंड करता है, बट आई थिंक कैरेक्टर तो हर एक्टर ही पूरा दिल से ही करने की कोशिश करता है. बट जो जहाँ तक आप पैकेजिंग की बात करी है, आई थिंक आई पर्सनली लाइक थिंग्स टू के ज़्यादा चीज़ें सुपरफिशियल ना बन जाएं. मुझे अच्छी वो लगती है जो देख के आपको लगे कि ठीक है हम इससे रिलेट कर सकते हैं. सो एनी दैट सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग आई रियली लाइक इट, इट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग आई बिलीव. सो आई थिंक मेरा तो यही है कि और मैंने कमर्शियल फिल्में भी की हैं, लाइक बाजी वॉज अ वेरी प्रिटी कमर्शियल फिल्म. बट येस आई एग्री, मेरा ज़्यादातर वजन कह लें काम का उसी तरफ है, लाइक जिंदा भाग एंड गुड मॉर्निंग कराची एंड देन सो. बट गुंजल आई बिलीव इट्स नॉट अ वेरी ऑफ बीट फिल्म. अगेन आई एम गोइंग टू से इट हैज़ अ नाइस बैलेंस ऑफ बोथ कमर्शियल एंड स्टोरी टेलिंग एंड गुड स्टोरी टेलिंग. सो आई थिंक मैं तो कोई भी रोल जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ. मैं ये सब नहीं सोचती कि हाउ दे गोइंग टू पैकेज इट, एटलीस्ट दैट्स नॉट माई जॉब टू डू. मैंने भी कभी देखा नहीं कि इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं या नहीं. आई थिंक अभी हमें पूरी तरह हम कहते हैं हमें पता है कमर्शियल क्या है. हम में से किसी को नहीं पता व्हाट ट्रूली इज़ कमर्शियल, व्हाट ट्रूली इज़ आर्ट. वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो और बहुत सी ऐसी चीज़ें इन द पास्ट ऐसी हुई हैं जो हमें लग रहा था बहुत आर्टसी होंगी या रिस्की होंगी एंड दे टर्न आउट टू बी कमर्शियल सक्सेस. सो वी डोंट नो, वी कांट टेल. सिर्फ सोल देखता हूँ इन अ स्टोरी, इन अ स्क्रिप्ट, इन दोज कैरेक्टर्स. इफ इट रेजोनेट्स विद मी, इफ इट्स चैलेंजिंग, इफ इट्स डिफरेंट, बस यही चीज होती है. एंड आई थिंक नाउ आई थिंक ऑडियंस इज आल्सो चेंजिंग. व्हाट इज कमर्शियल नाउ, यू नो, एनी सॉर्ट ऑफ अ गुड स्टोरी टेलिंग कैन ऑब्वियसली ऑलवेज विल ऑलवेज ग्रैब ऑडियंस. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल लाइक जॉयलैंड एंड कमली. यू सी देयर नॉट द कमर्शियल लाइक देयर इज नो लाइक बिग लोकेशंस लाइक hundreds of people dancing behind you, they don't have those kind of songs and you know stuff like that, but those films did well. Mehla jo narrative agar engaging hai, engaging hai, koi bhi format hai, kisi tarah se bhi agar engaging hai aur audience ko hook kar raha hai, that is like I think commercial. That is entertaining. That is entertaining. Why the name Gunjal? Why not a more sensational name jo ke zyada attract karta, jo story se bhi thoda sa logon ko indicate karta ki acha this is what the story is about, kyunki already aapke paas jo story hai वो काइंड ऑफ ऐसी है जिसपे बहुत बात हुई, उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन भी हुई हैं और अभी भी आई एम श्योर मूवी आएगी तो कहीं ना कहीं इस पर कॉन्वर्सेशन डिफरेंट टाइप की होंगी. तो आई वाज जस्ट वंडरिंग के व्हाई दिस नेम. गुंजल के बहुत सारे रीजंस हैं गुंजल होने के, क्योंकि जिस तरह से हम कहानी सुना रहे हैं
It's not a linear format of storytelling. Okay. There's a lot of like back and forth flashbacks and two different timelines chal rahi hain. And there is a like journey of Shahbaz Bhatti, which Ahmed is playing, jisme wo ek case ki taraf ya aftermath of the death of Irfan Masih, Iqbal Masih, wo dhoond rahe hain. To wo khud uljhe hue hain, wo us gunjal mein hain kahin aur wo dhoondne ki koshish kar rahe hain sach ki talash mein. To ek to isliye. Dusra ye ki obviously hum isme jo Iqbal Masih the wo एक कारपेट फैक्ट्री में काम करते थे, वी ऑल नो दिस. तो जो धागे होते हैं धागों से बनती है और गुंजल हमेशा धागों से बनते हैं, सो दैट ऑल्सो रिलेशन विद दिस नैरेटिव. देन मुझे लगता है कि हर किरदार अपने गुंजल में है फिल्म के अंदर, क्योंकि एवरी करेक्टर, इसके 15 प्राइमरी करेक्टर्स हैं, हम लोग ठीक हैं इन लोगों को देख रहे हैं, लेकिन लॉट इट्स एन एनसेंबल कास्ट और बहुत सारे और किरदार हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है उस नैरेटिव में. तो वो जो है वो सब अपने अपने गुंजल में कहीं ना कहीं फंसे हुए और उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. सो एवरीवन इज इन गुंजल एक्चुअली. ओके, तो ये आइडिया आपका था इस टॉपिक पे बात करने का निगत, या आप इनके पास ये स्टोरी लेके गए थे? व्हाई दिस टॉपिक स्पेसिफिकली एंड दिस स्टोरी? सो पहली जो हमने एक साथ फिल्म बनाई थी वो मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड के ऊपर थी. उसके बाद हमने जो उसकी उसके ऊपर जो सक्सेस उसको मिली, थोड़ी सी हमने थोड़ी हेल्प की वो डिस्कोर्स क्रिएट करने में कि लोग सुसाइड और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें. तो अनदर टॉपिक विच वॉज वेरी क्लोजर टू माई हार्ट बींग अ मदर वॉज चाइल्ड लेबर. बिकॉज एज अ मदर यू कॉन्ट सी, लाइक यू कैन फील वट अ मदर गोज थ्रू वैन शी सेंड्स आउट हर चिल्ड्रन टू वर्क और इवन सेल्फ टू बॉन्डेड लेबर, राइट? सो दैट्स वेन वी एंड अप सेलेक्टिंग दिस टॉपिक. और फिर इकबाल मसीह हमारे पाकिस्तानी हीरो हैं, इस वजह से हमने सोचा कि इकबाल मसीह के स्टोरी पे मबनी हो लेकिन फिक्शनलाइज्ड बायोपिक हो कम्प्लीटली. हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि इट्स द रियल स्टोरी, वी आर क्लेमिंग इट्स बेस्ड ऑन हिज रियल स्टोरी, रियल इवेंट्स. तो स्क्रिप्ट थोड़ा सा आप लोगों ने स्टोरी, या इस स्क्रिप्ट नेचुरली चेंज्ड है बिकॉज इंस्पिरेशन वहाँ से लिया है. बहुत सारे जो रियल इवेंट्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन अहमद का जो कैरेक्टर है शहबाज भट्टी का, इट्स कम्प्लीटली फिक्शनल. उसके हमने पैकेज इस तरह किए कि देर इज़ अ न्यूज़पेपर वर्ल्ड, जो कि एक शहबाज भट्टी जो एक क्राइम रिपोर्टर हैं और एक अखबार में काम करते हैं, तो वो कैसे, हाउ ही डेल्व्ड इनटू दिस स्टोरी, हाउ ही एनकाउंटर्ड दोज पीपल एंड हाउ ही ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ. So that's the package it in a way ke wo ek outsider from the third world person perspective this is happening. Challenge kya tha Ahmed ye character karne ke liye? Main trailer dekha hai maine ya teaser jo aap logon ka, it doesn't seem like an easy character. Lag raha hai ki haan investigative journalism hai, lekin jab main dekh rahi thi scenes to mujhe usme kafi layers aur kafi expressions aapke nazar aaye. A lot of challenges actually. Jo Shahbaz ka character hai wo agar aap क्योंकि हम बैकग्राउंड कैरेक्टर का हमेशा बनाते हैं, मैं अपने तौर पे बनाता हूँ. ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही वांट्स टू प्रोग्रेस इन हिज करियर, इन हिज लाइफ, पैसा कमाना है, जोड़ना है. बट ये जो 14 दिन की कहानी जो दिखाई है, इसमें इसकी ज़िंदगी के सबसे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं और वो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट करते हुए खोल रहा है, कन्फ्यूजन बढ़ रही है, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है. ही वॉन्ट्स, और एक स्टेक, पर्सनल स्टेक आ गया उसमें, इन्वॉल्व हो चुका है उसका, एंड सो वो उसको तब्दील कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. सो दैट जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नीज ऑफ हिज लाइफ, एंड दैट चेंजेस हिम सिग्निफिकेंटली. सो टू इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट चेंज, और हर दफ़ा लीनियर तरीके से शूट नहीं होती फिल्म, सो यू हैव टू नो कहाँ किस चीज़ से गुजर रहा है, यू हैव टू बी अवेयर किस टाइम पे किससे क्या बात कर रहा है और कितना उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, क्या उसे पता है. And then he's a journalist. So journalists, jo hain, I have massive respect for journalists. Well, they have to be psychologists. They have to be brave. Unhone cheeze nikal ugalwani hoti hain, nikalwani hoti hain logon se. Unhone unki, you know, bahut, they have to travel a lot. They have to meet different kinds of people. They have to mold themselves according to different people. So you see a bit of that in Shahbaz Bhatti. He's trying hard to really find the answers, and as he progresses it seems like gunjalein badhti ja rahi hain jaise wo kholta hai, it's like aur zyada kuch badh raha hai, this unanswered questions. So wo dikhana, capture karna bada interesting tha, bada maza aaya usko karne ka. So that was one of the major challenges of Shahbaz Bhatti's. Aur isme ek aur cheez bhi hai jo main add karna chahunga, mujhe abhi recall hua ki actually isme Ahmed ne, ठीक है वो आप किरदार पे और उसका बैक स्टोरी और जो सारी, वो तो मेहनत होती ही है. इसमें बायलिंगुअल है ये फिल्म,
इट्स इन उर्दू एंड पंजाबी. सो अहमद ने लर्न की पंजाबी इसके लिए. बहुत हमने इसके ऊपर वर्कशॉप रिहर्सल बातचीत एट हाउ किस हद तक पंजाबी बोलनी है क्योंकि और जाहिर है कि वो डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, किसी से पंजाबी में बात कर रहा है, किसी से उर्दू में बात कर रहा है. सो वो एक बड़ी एक मज़ेदार एक जो है ना उसकी एक जर्नी है इन अ डिफरेंट कैपेसिटी. और मैं एक प्लग इन करना चाहूँगा यहाँ बात की, मेरा ख्याल है कि अहमद वी ऑल नो कि ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, उससे खैर ज़्यादा अच्छे ह्यूमन बींग हैं डेफिनेटली. लेकिन शहबाज भट्टी देखने के बाद लोग सिर्फ शहबाज भट्टी याद रखेंगे, इनका पिछला काम भूल जाएंगे. जब आप कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो आप कैरेक्टर में रहते हैं, सेट पे भी आ सकते. तो जब ये फिल्म भी कर रहे थे तो वर यू इन द कैरेक्टर ऑफ शहबाज भट्टी थ्रू आउट? उससे क्या चैलेंज आपको आम जिंदगी में फेस कर रहे होते हैं आप या कर रहे थे? मैं ये नहीं कहूँगा 100% बंदा रह सकता है. इट्स वेरी टफ एंड इट्स वेरी टायरिंग क्योंकि पहले मैंने किया ऐसा, इसमें भी काफ़ी हद तक किया है एंड इट यू नो इट टेक्स अ टोल ऑन यू. बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्ट व्हेन द कैमरा स्टार्ट्स रोलिंग. आई वांट टू बी द पर्सन एंड इफ एनीथिंग आई वांट टू डू आई वांट टू बी एज रियल एज पॉसिबल. सो उसके लिए यू हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ किक स्टार्ट बिफोर एंड देन गो इनटू इट एंड देन फिर उसको बरकरार रखने अगले दिन व्हेन यू वेक अप. सो या आई ट्राई माय बेस्ट. आई एम नॉट अ मेथड एक्टर, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, आई हैवंट स्टडीड एक्टिंग, बट कोशिश करता हूँ. एंड उसके लिए सबसे थका देने वाली चीज़ ये कि आपका जहन उस चीज़ को बार बार दोहरा रहा है, वो बहुत थकाता है. आई फिजिकल से ज़्यादा आई रियलाइज्ड योर माइंड कैन टायर यू आउट. सो इट्स बट इट्स दैट्स द फन ऑफ इट आई गेस. पंजाबी नहीं आती आपको? पिंडी बॉय आती है लेकिन सरप्राइज, आई एम शॉक्ड यू हैड टू टेक क्लासेस. टूटी फूटी आती है. अच्छा, क्या नहीं आती का पंजाबी का आपने? मतलब पंजाबी गल कर लेने आती थोड़ी बहुत पढ़ी गई. मेरी अम्मी हमेशा पंजाबी बोलती रही है तो अपनी बहनों के साथ. बट दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पंजाबी. वो ज्यादा स्ट्रीट पंजाबी या वो ठेठ पंजाबी है? वो पिंडी साइड की पंजाबी है, वो सीधी पंजाबी है. सिराइकी भी नहीं है, पोठोहारी होगी, पोठोहारी से थोड़ी मिलती जुलती. यस. और अभी आप जो मूवी में बात करें फिल्म में, ये एसेंशियली द कैरेक्टर इज आल्सो फ्रॉम दैट साइड, बट क्योंकि वो बड़ा हुआ है बहुत उस तरफ काम किया है तो अ मिक्सचर ऑफ बोथ. मतलब ही इज अ पर्सन जो चेंज कर सकता है अपने आप को थोड़ा बहुत, यू नो. तो वो भी एक चीज एलिमेंट था कि आई हैड टू स्पीक सॉर्ट ऐसी पंजाबी जो जिसकी ओरिजिन्स कहीं और की हैं बट वो किसी और से, किसी और रीजन के लोगों से बात कर रहे हैं. तो वो भी एक चैलेंज था काफ़ी ज़्यादा एंड शोएब भाई हेल्प मी अ लॉट विद दैट बिकॉज़ इनकी अपनी पंजाबी बहुत ज़बरदस्त है. तो घर वाले खुश हैं आपने जाके शो भाई, अब तो मैं भी आपसे आपके लेवल पर पंजाबी में बात कर सकता हूं? ये अप्रूवल मिलेगा जब वो देखेंगी मेरी अम्मी कहेंगी. नहीं, वो सीखी जो होती वो जाके नहीं प्रैक्टिस की उसके बाद अम्मी से. मैं अब एक्चुअली इस फेज में जिंदगी के अपनी अम्मी से पंजाबी में बात करता हूँ. तो मैंने प्रैक्टिस एक्चुअली जब मुझे फिल्म का भी पता चला तो तब से मैंने थोड़ी शुरू की बातचीत. उससे पहले भी एक प्रोजेक्ट था जो होने लगा था लेकिन नहीं हुआ, बट एसेंशियली इसके इस प्रोजेक्ट की वजह से मैंने अपनी मम्मी से अब पंजाबी बात करना शुरू किया. यूजुअली जब ये इस तरह का कैरेक्टर होता है जिसमें आपको पंजाबी बोलनी है लेकिन आप नेटिव पंजाबी स्पीकर नहीं है, हमेशा ऐसे कैरेक्टर जो है वो अंडर स्क्रूटनी आते हैं और बहुत चीज़ों. आपको ये था प्रेशर कि यार अगर मैंने सही नहीं किया तो मेरा नाम भी आएगा, फिर रिव्यूअर्स बैठ के बोल रहे होंगे लेकिन उसकी पंजाबी सही नहीं थी, कुछ ऐसा जहन में चल रहा है? बिल्कुल, बट दैट्स ओके. आई मीन क्रिटिक्स को पूरी राइट है टू से व्हाटएवर दे वांट. हाँ, और हमारी प्लस इतनी डिफरेंट किस्म की पंजाबी है कि एक रीजन का बंदा वो दूसरे रीजन की बंदी की इसीलिए आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बोले क्रिटिक्स भी खो जाएंगे. मैं बना लूंगा, मैं एक नया रीजन क्रिएट कर लूंगा. अच्छी बोली है, इन्होंने अच्छी बोली है पंजाबी, तो मुझे लगा ये कंप्लेन नहीं होगी. आप देखा, बोलते हैं मैं तो आपको साइड से लेके निकल जाऊंगा. आई एम, व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर, क्या इसमें चैलेंज था या आपने इसको किस तरह डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश की या लिखा वही बहुत डिफरेंट तरीके से आपके लिए? वेल, मेरा कैरेक्टर शहबाज का कैरेक्टर तो है ही चैलेंजिंग बिकॉज पूरी फिल्म ही इनकी नज़र से है. मेरा कैरेक्टर मुझे लोगों का नहीं पता लेकिन इट वाज वेरी हैवी फॉर मी. मेरे लिए एक बहुत मुश्किल कैरेक्टर था क्योंकि मेहर इज़ अ सोशल वर्कर, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, शी वर्क्स फॉर चिल्ड्रेन. और इसका बहुत ही फिल्म भी जब आप लोग देखेंगे तो बहुत क्लोज ताल्लुक है इरफान मसीह से, हु इज़ बेसिकली प्लेइंग
sort of protagonist also, जो हमारी जिनके इर्द गिर्द हमारी पूरी कहानी है, जिसको जिस जिनकी कहानी को हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली. इरफान मसीह या इकबाल मसीह? हमने फिल्म में फिल्म में उनका नाम इरफान मसीह बेस्ड ऑन इकबाल. सो तो मेहर का कैरेक्टर ये है कि एक तो मेहर की जो स्ट्रगल है वो बहुत ही परेशान कर देने वाली है. Because she was very close to this person and that person has died. So she is facing a lot of injustice. She has seen the cruel side of society. And humne ne aur Shuaib ne discuss kiya tha ki Meher ke jitne bhi scenes post Irfan ki passing ke hain, humne ek cheez rakhi thi ki Meher smile bhi nahi karti. Okay. You see, kyunki wo itna zyada baggage hai uske upar emotional ki she really can't enjoy anything in life anymore. So staying in that state constantly while doing your scenes. Obviously, I used to get a break in the makeup room. I wouldn't say ki main bhi, kyunki mere se, to be honest, 24 ghante main reh hi nahi sakti thi us state mein. Because wo bahut ek heavy aur ek down kar dene wali state thi Meher ki, to Meher ki soul hai. So bas koshish ki hai ki usko puri tarah se, I mean, audience could see the struggles of Meher. The way I portrayed it. Research kitni ki aapne? Was it difficult to get the material? Was it difficult to get the shooting permissions? Koi aap logon ko challenges face hue ya was it a smooth ride? Main isme thoda sa add karna. Maine jab script padhi to sabse zabardast cheez, one of the things that really convinced me to do it is the amount of research. Absolutely. I'm so happy to hear that. Yeah. So much research ki हम हमेशा ये बात करते हैं, द ओनली थिंग दैट मेड अस से यस टू द फिल्म वाज कि इट वाज द नैरेटिव वाज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. आपको पढ़ के ही लगता था कि इट्स वेल रिसर्च्ड. ये कोई ऐसे ही दो लोग नहीं उठ के आ गए कि जी हम फिल्म बना रहे हैं, रोम कॉम बना रहे हैं, जी आ जाएं. इट वाज नॉट लाइक दैट. एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन आई रेड दिस थिंग. सैड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली. तो रिसर्च का प्रोसेस मेरे ख्याल बड़ा इंपॉर्टेंट था और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी था इन अ वे. मैं निगत पहले ऑन बोर्ड लेकर आए हमारे राइटर्स अली काजमी और निर्मल बानो को. अली काजमी की पहली फिल्म है, निर्मल बानो जिंदगी तमाशा लिख चुकी हैं. तो हमने जो रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट किया उसमें ऑब्वियसली कुछ किताबें हमें पता चली, हमने वो रीड आउट की बड़ी एक्सटेंसिवली, रिटन बाय फॉरेन राइटर्स. एंड देन उस टाइम के अखबार, क्योंकि ये कहानी 90s में, ये वाकया जो है वो 95 का है, तो हमने उस टाइम लाइन की बहुत सारी जो है न्यूज़पेपर, जो हम ज़ाहिर है लाइब्रेरीज गए और जो जो मटेरियल, जो सोर्स मटेरियल के क्या क्या मुख्तलिफ अखबारों ने क्या क्या लिखा होगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि हर अखबार का भी एक नैरेटिव नहीं होता. सब पढ़ा और बहुत सारा कुछ पढ़ा. फिर बहुत सारे लोगों से बातचीत की जो उस टाइम लाइन में रह रहे थे. स्टोरी ऑफ लाहौर कितना लंबा था रिसर्च? ये 6 months का प्रोसेस था. So 6 months की रिसर्च. We spent. भाई प्लीज गो वॉच दिस मूवी ओनली फॉर दैट बिकॉज आई थिंक दिस इज सो ह्यूज. आप लोग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमें पता है कितनी रिसर्च होती है. सो आई रियली थिंक इट्स लाइक नॉट ओनली टॉक टू यू गाइस, थैंक यू, नॉट ओनली सर्चिंग ऑन द स्क्रिप्ट, फिर जरा उसको किस तरह से सुनाना है वो खैर एक अलग लंबी कहानी है. क्योंकि हम ये लाहौर में बेस्ड है सारी कहानी मोस्टली, मुरीदवाला और लाहौर मुरीद के जो पास में गांव है. तो जो लोकेशन जो आपने बात की उसमें प्लग इन की बात भी, तो लोकेशंस ढूंढना के वो 90s की फील दे, वो भी एक इटसेल्फ जो प्री का टाइम था उसका, 6 महीने प्री पे भी लगाए हमने. इसमें ज़ाहिर उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, उसकी प्रोडक्शन डिजाइन, आर्ट कैसे होगा, कैसी लोकेशंस होंगी कि जहाँ पे वो फील आए कि 90s की है. फिर ज़ाहिर है कि अब चेंज हो गया लाहौर, बहुत बिल्कुल चेंज हो गया. तो उन जगह को हमने सब रिलेटेड लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन पे किया, लेकिन उनको सेटअप किया इन अ वे दैट इट लुक दैट और हैव दैट फील विच कैन कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज करेक्टर्स. सो इट हैज़ टू वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसकी रिसर्च करना, फिर कॉस्ट्यूम्स कैसे पहने जाते थे, कैसी लुक होती थी, जैसे इनकी कलम या जैसे हेयर स्टाइल या चीज़ें, मेहर का कैसे होगा, क्या क्या पहनेगी मेहर, कलर पैलेट क्या होगा पूरी फिल्म का. सो वी वर्क अ लॉट ऑन ईच करेक्टर्स कलर पैलेट, द होल फिल्म्स कलर पैलेट, देन ईच लोकेशन कलर पैलेट. आप बोल रहे हो और मुझे जैसे मैं याद कर रही हूँ टीजर, मुझे आपकी बातें और ज्यादा हिट करी है कि यस ये भी है, ये भी है, क्योंकि वो देख रहे होते हैं लेकिन जब कोई बोलता है तो आपको और रिकॉल होती है. रिसेंटली मैंने देखा है ये इंडस्ट्री में भी कि अब कलर पैलेट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज़ इट सो इंपॉर्टेंट आई नो, लेकिन जस्ट फॉर द जनरल ऑडियंस ऑल्सो कि इतनी एफर्ट क्यों लग रही है. अभी रिसेंटली भी जब देखें कुछ मूवीज़ आई तो वो आर्ट मूवीज़ थी और उनका भी एक कलर पैलेट जो उसकी जो पूरी फील थी वो डिफरेंट थी.
आपने भी इस चीज को इतना ज्यादा कंसिडर क्यों किया? ओनली बिकॉज इट वॉज बेस्ड इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड, या उसके पीछे कोई और थॉट प्रोसेस? नहीं, टाइम पीरियड का तो ताल्लुक, आप कोई भी, मेरा ख्याल किसी भी टाइम पीरियड में बना रहे हो, मेरा ख्याल कलर पैलेट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं उसमें एक सिनर्जी होना बहुत जरूरी है. इट हैज टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. लाइक अगर एक्टर्स कुछ पहन रहे हैं और पीछे का बैकग्राउंड का कलर कुछ और है, तो वो अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो इट विल बी क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग विजुअली. सो इट हैज टू बी विजुअली प्लीजिंग, एट द सेम टाइम अट्रैक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट द नैरेटिव एट द सेम टाइम. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है. आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट द कलर ग्रेडिंग. या आई आल्सो फील दैट दैट इज डिफरेंट. एक वाज़े हमें अब एक फील और एक वाइब नजर आती है फिल्म्स में जब हम आते हैं. तो बट आई एम रियली हैप्पी टू हियर द रिसर्च प्रोसेस जो आपने किया, एंड अब मुझे वाकई वेट नहीं हो रहा, मैं जाके देखना चाहूंगी. और तो मुझे पता है कि मैं रोते हुए निकलूंगी, एंड मैं जाके देखूंगी. लेकिन आपका क्या ख्याल है उससे शुएब? मेरा ख्याल नहीं है, मेरा ख्याल है कि नहीं रोते हुए निकलेंगे. आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि मैंने एक दफा देखी तो लोग इमोशनल होंगे कुछ. हाँ, इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट यू टेक फ्रॉम इट, यू नो. अच्छा वाला रोना भी होता है. हाँ, अच्छा वाला रोना होता है. मैं जज्बे में और मैं खुशी से रोती हुई निकलूं तो आई वुड लव. मैंने देखी नहीं, बट मुझे ये लगता है कि आई थिंक ही इज राइट. लाइक एवरी ऑडियंस विल परसीव फिल्म तो जब आप लोगों ने पढ़ा स्क्रिप्ट, आप जिस तरीके से भी आप लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व हैं, इस फिल्म ने आप लोगों को कैसे चेंज किया? हैज इट इम्पैक्टेड यू गाइज? हैज इट चेंज समथिंग इन यू गाइज? एनी थिंग दैट यू गाइज कैन शेयर विद अस, विच विल ऑल्सो टेल अस हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज for the viewers to watch, maybe unko bhi thodi si wo. Acha main is film ko jab dekhti hu na, mujhe kya lagta hai, as a humanitarian main kabhi usme meher ban jati hu aur kabhi usme main Shehbaz Bhatti ban jati hu. ha mujhe aisa lagta hai ki now I'm her and I have that passion like to help children and to help, like wherever I see something is like happening which is wrong, I try to go there and solve the problem. बट ठीक है, मुझे लगता है जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा वो तो आपने ऑलरेडी था, द कॉजेस दैट यू हैव बीन इन्वॉल्वड विद. आई थिंक तो एक आई वांट टू नो व्हाट वन पर्टिकुलर थिंग दिस मूवी, दिस आफ्टर बीइंग इन्वॉल्वड विद दिस, उस फिल्म के इस पूरे प्रोसेस ने आपके अंदर क्या चेंज किया? मेरे अंदर ये चेंज किया है कि ऑब्वियसली आई वुड से एज अ बिजनेस वूमन यू हैव टू डू योर होमवर्क अहेड ऑफ टाइम. अगर प्रोसेस के ऊपर हम बात करें, एज अ बिजनेस पर्सन और एज अ फिल्म मेकर यू हैव टू डू. अगर हमें कोई भी आसानी इस फिल्म में हुई है, वो इस वजह से हुई है क्योंकि हमारा जो ड्यू डिलिजेंस जो हमने किया वो बहुत अच्छा हमने किया, उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात नहीं आई. जैसे हम सुनते हैं कि फिल्में चार चार साल लगती हैं, हमारी फिल्म बन गई काफ़ी कम टाइम में. आज 2 साल हो गए, हमारी फिल्म रेडी है एंड वी आर रेडी टू रोल इट. सो मेरा ख्याल है ये चीज़ मेरे अंदर आई कि द अश्योरेंस यू डेफिनेटली हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस, योर होमवर्क, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. और दूसरी बात, रिसर्च होनी चाहिए हर चीज़ पे. हर कोई बोलता है, अच्छा आप लोगों ने, हर कोई रिसर्च की तारीफ करता है और हमें खुशी होती है कि वी डिड दैट एंड वी आर हैप्पी, वी आर गिविंग दिस टू द कम्युनिटी दैट रिसर्च शुड बी डन. और हमने रिसर्च सिर्फ यही नहीं की, हमने जब ये बच्चा गया था यूनाइटेड स्टेट्स, हमने उसके ऊपर भी हमने रिसर्च की. वहाँ पे जब ये गया और उसमें हमें 2 आवर्स की एक वीडियो मिली जिसके ऊपर हमने उसको देखा और श्वेब को इससे बहुत फ़ायदा मिला था कि ये अपने एक्टर को कैसे तैयार करें, वो बच्चा किस तरह से बातें करता था. तो यहाँ तक हमारी रिसर्च बहुत प्रोफाउंड थी. आई थिंक स्क्रिप्ट ने मेरे अंदर, मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसा इशू है कि जिससे मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी अवेयर नहीं थी. और हम हमेशा देखते हैं चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड चाइल्ड लेबर, आए दिन इस तरह की कोई खबर आ रही होती है. बट वन थिंग दैट आई डिड टू मी, आई थिंक दिस कैरेक्टर मेड मी मोर एम्पथेटिक. आई थिंक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके स्पेशली एम्पथी है. और कभी कभी इस हद तक भी हो गई है कि कभी कभी मैं उससे परेशान भी हो जाती हूँ. So I think, yeah, that it made me very, very empathetic towards a lot of issues. Okay. मैम, day one से ज़्यादा अभी तक मैं और स्पेशली निकित तो जुड़े में, तो कई दफ़ा आप डिसंगेज भी हो जाते हैं चीज़ों के साथ. लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ी जब आप रिसर्च कर रहे होते, तब तो आप तलाश कर रहे होते, ढूंढ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कैसे हो रहे हैं. मुझे लगता है कि जब मैं ड्यूरिंग द पोस्ट प्रोडक्शन, जब मैं एडिट कर रहा था एडिटर्स के साथ, मुझे लगता है
देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि कितनी छोटी छोटे से एलिमेंट्स हैं फिल्म के अंदर और चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, कितना कुछ हो रहा होता है जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं. मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखते नहीं है कि हमारे कोई बच्चा है वो कहीं काम कर रहा है या कुछ और बुरा हो रहा है, हम उसको बहुत नॉर्मलाइज कर लेते हैं चीज़ों को. मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें, एक नज़र रखें. और मुझे ख्याल मुझे वो थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ है कि हम उन चीज़ों को नोटिस करें और उनके बारे में बात करें या आवाज़ उठाएं जिन चीज़ों के बारे में पहले शायद इतना अवेयर नहीं होते. Exactly. तो ये फिल्म देगी आपको, मुझे लगता है कि वो फील देगी. और आई थिंक कभी कभी मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ इस तरीके इसी बात से कि आई थिंक दिस फिल्म इज नॉट जस्ट बीइंग एंटरटेनिंग और प्रॉफिटेबल व्हाटएवर, इट्स आल्सो सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी सर्विस दैट दीज गाइज हैव डन. एंड आई एम वेरी लकी आई'ड से टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म. It's going to be one of my favorite films, inshallah. Inshallah. Yeah. What about you? Apart from जो बात कर रहे थे शेर साहब कि हम desensitized हो जाते हैं because of you know कितना prevalent है ये issue हमारे एक तो वो वापस जाग जाता है इंसान के अंदर. दूसरा इकबाल मसीह की कहानी बड़ी इन डेप्थ बड़े करीब से देखी है और उस बच्चे की बहादुरी ने इंस्पायर किया मुझे. He was a brave kid. जितना भी कहें कम है उसकी बहादुरी. So I think that has really moved me, changed me. Did you cry while reading the script? Not while reading the script, but ek maine jab finished product ek dafa dekha to definitely I was very proud of it. Wo pride ke bhi the and that we're you know celebrating his legacy. Uske liye bhi tha. I'm very proud of what we're doing here today. Aur dil ko dukh bhi hota hai ki ye hua aur hum kuch nahi kar sake is cheez ke bare mein. It happened. I think wo jo cheez hit karegi hum sabko bhi jo aap logon ko mujhe lagta hai kahin na kahin hit ki hogi ki while you guys are doing a great job wo ek थोड़ा सा होता है कि काश ऐसा नहीं हुआ होता. वो मुझे लगता है वो भी एहसास आप सब में. एंड शहबाज भट्टी के कैरेक्टर का एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है हेल्पलेसनेस. जैसे जैसे वो इसके अंदर डीपर जाता रहता है हेल्पलेसनेस भी बढ़ती है और वो चाहता है कि कुछ कर सके, कुछ चेंज कर सके. हेल्पलेसनेस बढ़ती जाती है. सो वो भी एक चीज़ I think we feel it every day. Exactly, यही पॉइंट मुझे कई लोगों ने बताया कि दिस इज़ वट वी फील दैट द हेल्पलेसनेस जिन्होंने देखी आज तक फिल्म कि द हेल्पलेसनेस ऑफ शहबाज एंड ऑल्सो वट हैपन्स टू जर्नलिस्ट इन रियल लाइफ दैट यू विल सी अ लिटिल बिट जस्ट्स ऑफ इट देयर. आई एम हैप्पी टू हियर अहमद आप पहले बताए थे कि उसका कैरेक्टर का जर्नी है और शुरू से लेकर एंड तक उसमें एक कैरेक्टर आके. मेरी कंप्लेन हमेशा ये रहती है कि हमारे यहाँ ये भी नज़र नहीं आता. तो अगर अहमद कह रहे हैं उन्हें ये लगा तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर डूइंग दैट आल्सो. वो फिर अपने रिव्यू में बाद में बताऊँ कि मुझे कितना नज़र आया इस सब का. बट अभी तो आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग इट. अच्छा दो अहमद थे सेट पे, कितनी कंफ्यूजन होती थी. कुछ मजे का कोई वाकया हुआ, इनको बुलाया वो आ गए, उनको बुलाया ये आ गए, क्या होता था ऐसा कुछ. तो मैं जब बुलाता था तो क्योंकि मैं इनको कैरेक्टर डे वन से शहबाज भट्टी बुलाता था तो फॉर मी ही वाज ऑलवेज शहबाज भट्टी. सो देयर वाज नो कंफ्यूजन. मुझे अहमद नहीं बुलाया था, सिर्फ शहबाज भट्टी बुलाया. सो और अहमद बट साहब को बट साहब हम कहते थे. जैसे सलमान हबीब भी कहता था. मैं बताऊँ बट साहब का जो रोल है वो मतलब स्क्रीन टाइम अगर हम बात करेंगे, हम जनरली लोग कहते हैं स्क्रीन टाइम, बट इट्स अ शॉर्ट स्क्रीन टाइम बट वेरी पावरफुल, वेरी इंपैक्टफुल. इट ब्रिंग्स अ वेरी मेजर प्लॉट ट्विस्ट टू द स्टोरी. सो वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल है फिल्म के अंदर. और जब आप लोग देखेंगे, जैसे पहले भी शायद बात कर रहे थे कि वो जो जिस तरह से उन्होंने प्ले किया है उसको, आई एम श्योर पीपल विल एंजॉय इट. हम उनको बहुत अरसे बाद एक डिफरेंट तरीके के रोल में देखे. यूजुअली उनको बड़े हम सॉरी टू से बट स्टीरियोटाइपिकल रोल्स में उनको कास्ट किया जाता है. हम थोड़ा इट्स रिफ्रेशिंग जो मैंने टीजर या ट्रेलर में भी देखा. रेशम जी के साथ आप काम कर रहे थे, यू आर वेरी एक्साइटेड. एंड मैं आपकी स्टेटमेंट सुन रही थी कि यू सेड कि शी हम्बल्ड मी अ लॉट. वर यू अ फैन ऑलवेज एंड कैसे? या शी हैज अ ग्रेट प्रेजेंस एंड शी इज अ हम्बल ह्यूमन बीइंग. शी वाज सच अ ग्रेट सपोर्ट ऑन सेट. बिल्कुल नहीं लगा कि हमें कितने लेजेंडरी सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने बेहतरीन काम किया है. सो आई थिंक हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी आई है. शी इज़ प्लेइंग वेरी डिफरेंट रोल. आप उस तरह नहीं देखा होगा आपने उनको. सो या उनके साथ भी काम करने का दिल था. मेरा आमना के साथ भी काम करने का बहुत अच्छे दिल था. अहमद अली भट्ट को मैं बचपन से देख रहा था तो एंड उनके साथ भी सभी सोचा था. एकदम हम चल रहे थे, हमने भी सोचा था लेट्स वर्क टुगेदर समटाइम. एंड इतनी अच्छी स्क्रिप्ट ने हम सबको इकट्ठा किया है तो इसका बहुत मजा आया. रेशम वाज एब्सोल्यूट प्लेजर टू वर्क विद. शी इज ग्रेट. या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू नो अहमद के माशाल्लाह से यू आर अ बिग नेम योरसेल्फ, बट देन ऑफ कोर्स रेशम, रीमा, वो सब जो लोग हैं वो हमारे लिए आइकॉनिक हैं. वो हम यू नो उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है. तो जब उन लोगों के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बीइंग अ ह्यूज स्टार योरसेल्फ, यू आर
सेम लाइक एक हम लोगों की तरह आपकी भी वो एक्साइटमेंट होती है, स्ट्रेस होता है कि यार मैं भी अच्छा परफॉर्म कर, हाउ डज इट गो? मैं आई एम जस्ट आस्किंग एज अ क्यूरियस टू नो कि प्रोसेस ज़हन में क्या चलता है. मैं कोशिश करता हूँ इंटिमिडेट ना हूँ. मेरा बल्कि ये होता है ट्राई टू मतलब स्टैंड माय ग्राउंड, नो व्हाट आई हैव टू डू. एंड उस सीन में रेशम इज जो भी वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, आई हैव टू ट्रीट हर द वे शी इज. अगर मैं दरमियान में ले आया, आई विल कीप ब्रेकिंग कैरेक्टर, यू नो. तो एंड बिल्कुल एक चीज बैक ऑफ द माइंड रहती है कि शी इज सच अ सुपरस्टार, बट वो सीनियर भी हैं. हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही बहुत इतना चढ़ा दिया था पोजीशन पे और प्रेशर हो गया होगा फिर तो. हाँ, वो प्रेशर, मैं उस प्रेशर को चैनलाइज करता हूँ. मैंने हमेशा कोशिश किया है नर्वसनेस को, स्पेशली थिएटर से जब आप सीख के आते हैं तो आप उसको लेते हैं और आप उसको अब्जॉर्ब करते हैं, उसको लोगों को देने की कोशिश करते हैं, इवन इफ इट्स नर्वस एनर्जी. And you take control, you take charge. So theater में मैंने देखा, आप मुस्कराएंगे सारे मुस्कराएंगे, आप रोएंगे सारे रोएंगे. You have that control. And in a scene, if the, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, you have to make them feel exactly what your character wants them to make you feel. तो मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई. So मैं उस focus के साथ करता था, लेकिन जैसे कट होता था वो, she was so क्यूट अबाउट इट. वो पूछती थी, did I do great? I was like, उसे पूछनी है, did I do great? हाँ, बिल्कुल. she was very humble, very very humble. इसमें एक और पहला एलिमेंट है, क्योंकि हमने बहुत सारी वर्कशॉप की थी, तो लॉट आइस ब्रेकिंग जो है, ऐसा नहीं कि ये लोग सेट पर मिले और वहीं पे काम शुरू हो गया. स्क्रिप्ट रीडिंग सेशंस, वर्कशॉप, तो वो दे वर ऑलरेडी इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस. सो ड्यूरिंग दैट टाइम दे एबल टू like explore each other personalities as well and the characters as well. I'm not Ahmed, aap logon ne bahut si films mein kaam kiya hua hai, you know, so tell me, how do you think this film is going to change the industry or what impact is going to create within our film industry? Well, change the industry, I think the only change or the only thing that we need is that we need more films. I think we don't need any sort of change in the industry. I think a lot of people are doing a lot of good work in the last year and this year a lot of good films came out. And so I don't think the change yahi hai ki I think we need more films, but I think our film particularly is going to, especially it's I hope it does well and it will do well. We are very very confident, inshallah hamari film bahut acha karegi. So I think the audience is ready to see such films, to witness, you know, such subjects on screen, but I think the makers are not ready. And I feel that that this film is going to actually encourage a lot of filmmakers to make films that are good story-wise films, you see. Maybe real life events or whatever genre that they want to pick. But I think so this film is going to bring that sort of change. I think it'll help, at least I'd say, ki jitni past mein bhi is tarah ki filmein aayi hain, I think it will help the makers to sort of step up their game and work around a subject which has everything in it, you know, which is message based, which is entertaining at the same time, or the art of good storytelling, I believe, rather than just being stuck in like superficial or like just rom-com and light mood movies. आई थिंक ये कि हमने आई डोंट रिमेंबर आखिरी दफ़ा किसी हीरो को सेलिब्रेट किया, तो ये चीज़ एक बड़ी अच्छी है जो फिल्म लेके आ रही है. प्लस वही वाली कमर्शियल वाली बात, हमारी कमर्शियल फिल्में ही नहीं चलती. जी जी, कमर्शियल कहाँ से रही फिर वो. So I think we need to redefine. एक नई अप्रोच करनी है हमने. एंड आई थिंक स्मॉल बजट फिल्म में एक पोटेंशियल मज़ा होता है, एक ड्राइव होती है, एक एम्बिशन होता है और एक पर्पस फील होता है मुझे जितना भी मैंने काम किया है. सो मैं इनक्रेज करूँगा कि और स्मॉल बजट फिल्में भी बननी चाहिए और स्टोरीज पे काम करना चाहिए, अच्छी स्टोरीज पे काम करना चाहिए. आई थिंक हमारी इंडस्ट्री अभी बिजनेस मॉडल हमारा हमने अभी तक समझा नहीं है पूरी तरह. वी हैव टू रीथिंक इट. सो इफ आई मे आस्क यू टू सपोर्ट अ स्मॉल बजट फिल्म, वुड यू adjust the numbers that you're asking for to support that? It's I've been doing it for a very long time. He did it. I have to endorse it. Okay, yeah. That's great. And I think जो लोग सुन रहे हैं वो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा. एक तो कि ऐसा करना चाहिए, because ऐसा होगा तभी हमें both of them. In fact, everyone. Honestly, everyone.
very good. I'm impressed. He's also a very good salesman, you know. Shiv is a very good salesman. No, I think, let's not take the credit away from, if you guys have done something good, then the credit should be given. I think the subject was so strong, we couldn't like. And usko appreciate karke uske baad mein conversation bhi zarur karni chahiye taki aur log motivate hon aur jo naye bacche aa rahe hain ya naye log aa rahe hain naye jo bhi experiment karna cha rahe hain unko encouragement zarur ho ke agar unki story itni powerful hai to maybe one of the top names will support them, you know. And I'm so happy to hear ke aap logon ne kiya. Aap dono ki film jo hai iska aapke hisab se kya hai jo aap samjhenge ki itna ho gaya to we'll be happy. Numbers या recommendation या critical acclaim या फिर कहीं nominations, what is it that you guys are thinking in your mind for this film? मुझे लगता है कि numbers को मैं नहीं देख रहा उस तरह से अब personally, ना उस तरह से कोई festival appreciate, festival में जा चुकी है already और appreciate भी हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसको, for me that is more important because मुझे लगता है कि हमने मुख्तलिफ तरीके से कुछ नया दिखाने की और सुनाने की कोशिश की है और वो बहुत ज़रूरी है कि जो सिनेमा को देखते हैं शौक रखते हैं वो घर पे ना बैठें तो प्लीज़ जाकर देखें. तो मेरी तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर देखें और ये हर एक के लिए, फॉर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ये नहीं कि सिर्फ जो ऐसे लोग के लिए फिल्म है जो कि बहुत समझबूझ रखते हैं या जो समझबूझ नहीं रखते या कि खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, नहीं, ये हर तरह के बच्चे बूढ़े फैमिलीज दोस्त अहबाब सब लोग जाकर देखें. बस मेरी ज़्यादा सारे लोग देखेंगे हमें उतनी खुशी होगी. आई एम ग्लैड टू हेयर दैट कि आप नंबर्स पे नहीं जा रहे. नहीं, मोस्टली जो लोग आते हैं प्रोड्यूसर्स नए फर्स्ट टाइम उनके बाद हम उनको दोबारा नहीं देखते. बहुत मेरा नहीं ख्याल कि मैंने देखा. आर यू गोना कम बैक? आर यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप आएंगी दोबारा, हम देख रहे होंगे एक और मूवी आपकी प्रोडक्शन के अंदर. वी बोथ आर लाइक लुकिंग एट इट. इंशाल्लाह, आई होप सो. अल्लाह करे नंबर्स आए. लेकिन जैसे आपने कहा कि मेरा पोर्टफोलियो देख के ऐसा लगता तो नहीं है कि आई वाज नॉट अटैच्ड टू एनी ऑफ द कॉजेस. सो व्हेन आई रियलाइज दिस इज अबाउट टाइम दैट आई कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी, देन आई एम ट्राइंग टू गिव बैक टू द कम्युनिटी इन अ फॉर्म ऑफ अवेयरनेस विद packed with wonderful performance and entertainment. I would say that entertainment because it's an entertaining film, because my kids love watching thriller, crime thriller. So this is one of that, right? For this kind of for the generation now, in our generation, we like to watch these kind of films. And definitely I would want to see success for this film, and I would like to come back as a producer for another wonderful story. इंशाल्लाह. तो चित्राल में फिर आपको स्पेशल शो करवा रही है अपने होम टाउन में, वहाँ पे भी तो वहाँ के ऑडियंस को भी तो उधर से लेकर आए ना, वहाँ से भी तो सबको. आई एम ट्राइंग टू गिव अहमद एंड आमना चित्राली टोपी, टेकिंग चित्राली कैप. एक्चुअली आप दोनों को लेके नहीं जा रही वहाँ पे फिल्म प्रमोशन के लिए, वहाँ भी तो लेके जाना चाहिए दोनों को. देयर इज नो सिनेमा देयर, सो इवेंचुअली वी विल हैव टू डू सम काइंड ऑफ स्क्रीनिंग इन चित्राल यूनिवर्सिटी. Yeah, that's in. Yeah. I'm sure when there's a will, there's a way. But yeah, when there's. I have confidence in you. Thank you. We are going to do something. Because you belong from there, so they deserve to see your project, and I'm sure they'll be so proud to see one of their people going and internationally doing something now like that. Now you made all my Chitrali brothers and sisters okay. She said that. मैंने तो इंडायरेक्ट गेम खेली है. मैंने तो कुछ कहा नहीं. Now you have to do it. अब आप लोग जाने जो चित्राल में सब हमें सुन रहे हैं और ये जाने. मैंने आइडिया दे दिया. मैं साइड पे जा रही हूँ. ठीक है. Thank you so much for your time. Thank you. We're looking forward to the movie. 15th December, it's releasing in the cinemas. इनकी जितनी बातें मैंने सुनी हैं, मैं तो दिल से ही request करूँगी कि please go and watch it, give it a chance, and we must. And I'm not saying कि watch it to support the Pakistani cinema. Good. I think जितनी इस वक्त हमने बातें सुनी हैं, वो उसने मुझे convince किया है कि ये movie ज़रूर deserve करती है कि मैं जाके ticket खरीद के ये देखूँ. So I hope that आप लोग भी convince होंगे, और आप सब लोगों को बहुत best wishes. For the effort that you guys are doing, and we wish you all the best. Anything that you guys want to give a message, say in the end to the viewers who are watching, aap log bas dobara se 15 december uncha uncha bolenge 15 december 15 december yeah 15 december go watch it. It's a film we're all very proud of. And his story from Pakistan. Yeah. Yeah. अब अगर इन लोगों ने कहा ना कि ये बॉलीवुड से चीजें लेके आते हैं और फिर भी फिल्म ना देखी 15 दिसंबर को तो मुझे लगता है रिव्यूज के बाद बचे मुझसे एक एक आमना की एक वीडियो निकलेगी सामने. आपने ये कहा था मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं उस वीडियो में. आमना, चलिए, यू गाइस ऑल टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.